शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तांत्रिक बाबा, आप यहाँ? कुछ खास काम है? हाँ, सबके लिए प्रसाद लाया हूँ बच्चा। प्रसाद। वो हीरा किधर है? जल्दी बोल। ये सब हीरे ही तो है। मुझे गोती नहीं, वो हीरा चाहिए। दे दे के मैं दूँ तेरे को। जल्दी दे दे दे। क्या सॉलिड है ना? हाँ। तुम लोग को मालूम है इसकी कीमत क्या है? मेरे को भी नहीं मालूम। ओ चोक्सी काका, हेलो चोक्सी काका। हलवाई की दुकान से लड्डू उठाया? हाथ में छे लड्डू एकदम छूट ही गए। Damn it, Boosaras! Boosaras! Now listen, ये लड्डू लेकर दुबई में मेरे सगे भाई लालवानी के पास में तुम जाओ। सगा भाई? हाँ, लालवानी हमको इसका रियल प्राइस बताएगा। And one more thing, तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी है guns and gambling. दुबई में no guns, no gambling. All right, छे? All right, छे का। आओ जो। रॉकी, टेंशन नहीं लेने का, दुबई में अपना सॉलिड झोले। मॉस्को चिकना, रशियन छावा है, दुबई में सेटल्ड है, गन डीलर भी है, सब टाइप का गन मिलेगा वहाँ। मॉस्को चिकना? Oh, yeah.
छोड़ दो इसको पानी में। नहीं पानी में नहीं, पानी में नहीं, जमीन पे छोड़ दो, जमीन पे। Bring him up. Feel this. अच्छा हुआ आपने हमें बाहर निकाल दिया, वरना शादी से पहले ही हमारी जोरू विंडो हो जाती। अबे ओ शाने, तेरी शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो कब चुकाएगा? शादी फेल हो गई साहब, तो कर्जा कहाँ से दे ही हम। झूठ बोलता है, तेरी बीवी तो हनीमून के लिए जा रही है। जा रही है? अरे वो तो गई, और अब तो हनीमून शुरू भी हो गया होगा किसी दूसरे के साथ। क्यों, तेरे में कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ हमारे में नहीं, वो ससुरी की नीयत में थी। मेरे को मजनू बना के वो लैला किसी रांझे के साथ भाग गए, वो भी आपका पैसा लेकर। अबे ए कबाड़िए, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन देता हूँ कर्जा चुकाने के लिए। आप तो बड़े दिल वाले हो, कुछ ज्यादा दे दीजिए ना। कितना? 100-200 साल। तेरी महीने, दिन, घंटे? आपकी घंटी बजे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं मॉस्को भाई। मैं का कोई नाम नहीं है क्या? अरे मॉस्को भाई, आपने तो मेरा कोड नेम रखा था। मैं? अच्छा तू मैं, हाँ बोल। मैं एक टिप देनी थी भाई। भाई मुंबई से मशहूर हीरा चुरा कर कबूतर दुबई पहुँच रहा है। और कोई डिटेल? भाई उसे जुए और बंदूकों का बहुत शौक है, और वो आ रहा है आपके पास बंदूकें खरीदने। हाँ आगे बोल चल। ये जो कबूतर है ना, ये लंदन के सबसे बड़े डॉन चोकसी सेट का भतीजा है। जो भी करना सोच समझ के भाई, क्योंकि कबूतर चोकसी का लाडला है। और इसका नाम है रॉकी। ठीक है भाई। ठीक है, मैं निकलूं? अबे ओ कबाड़िए रुक, तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अरे रहम कीजिए मॉस्को मियां, रहम कीजिए। अबे ये दुबई है, यहाँ रहम नहीं सिर्फ पैसा और लक चलता है। जिसके पास पैसा नहीं वो अनलकी, और जिसके पास पैसा है वो साला लकी। Dance. Better be there.
उठने में। अबे यार बेकार में जगा दिया, इतना अच्छा सपना देख रहा था। और तेरी खटारा को थोड़ा तेज चलाएगा, साइकिल भी अपने से तेज जा रही है, साला हाईवे पे नो पार्किंग का चार्ज लग जाएगा। ए अपने प्रीति के बारे में कुछ मत बोल मैन, आई लव मै प्रीति। और वैसे भी जब जेडी सेठ के पास जाते ना मैन, तेरे मुंह पे पूरा 13 बजे रहते मैन। भाई मेरे मुंह पे तो सिर्फ 13 बजे, लोगों के मुंह पे तो 14-15 बज जाते हैं जेडी सेठ का नाम सुन के। साला पता नहीं कौन से मनोज घड़ी में उसके चंगुल में फंस गए। तू ले गया था ना मेरे को उसके पास। लकी एक फाइट, एक इलीगल फाइट में जीतेंगे, फाइटर लड़ाएंगे, जीत गए तो शॉर्टकट में पैसा, शॉर्टकट में पैसा तो दूर, साला 15 फाइटर हार चुके हैं, कर्जे में नाक तक भरे हुए हैं अपुन। सनी का इलाज कराना है, गेम पार्लर भी लॉस में चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। ए टेंशन मत ले रे लकी, दिस टाइम फॉर जेडी अपुन के पास है डीडी, डेंजरस डैंग। ओ डीडी कैश होगा ना भाई। लगता है ऊपर वाले ने ऐसी लड़कियां बनाना बंद ही कर दिया है। हाय हाय, इसकी आंखें देख, इसके होंठ देख, दिल आ गया अपना इस पे। बहुत प्यार करता है इससे, रानी की तरह रखता है 6 महीने तक, फिर बेच देता, और तुम लोगों के हाथ से लड़की छूट गई। बॉस वो लड़की दुबई से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसका पासपोर्ट मेरे पास है। होटल में इसके पासपोर्ट को नचाऊं? तू उड़ाएगा पासपोर्ट पे पैसा? पीटर आज तक जितनी भी लड़कियां तो हिंदुस्तान से उठा के लाया है, सबसे सॉलिड आइटम थी ये। किसके हाथ से भागी है? जी वो ए लेके उसको। माफ कर दो भाई। माफी नहीं, माफी नहीं, माफी नहीं मांगना किसी के सामने। जा माफ किया, चल। ए रुक 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 पीटर। यस बॉस। इस पे भरोसा नहीं मुझे, ये फिर गलती करेगा, फिर माफी मांगेगा, लोगों के सामने हाथ जोड़ेगा, हमारी नाक कटवाएगा। एक काम कर, इसके हाथ काट दे। नहीं 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 भाई भाई भाई। आज किसको लाया हारने के लिए? हाँ लाया हूँ ना, हारने के लिए नहीं बॉस, मैं जीतने के लिए फाइटर लाया हूँ। कौन है? डैंग भाई, ये अपना 7 फुट का गुरेला डैंग। बॉस ये डैंग है, मैंने इसकी फाइट देखी है, बहुत डेंजर आइटम है। कल की फाइट में ले गया इसको। हाँ और सुन, अपनी जबान से घूमना नहीं। घूम जाएगा ना, अखा दुनिया घूम सकता है बॉस, लेकिन अपुन का जबान घूमेगा नहीं। क्यों? जा अभी। बॉस वो थोड़ा एडवांस मिलेगा? एडवांस जाके बुकी से ले ले जा। थैंक यू बॉस, चलता है अपन जेडी सेठ। थैंक यू। हेलो। हाँ पीटर भाई। हाँ लड़की जुमेरा मार्केट में छुपी है। होल्ड करो बॉस, खबर मिली है लड़की जुमेरा मार्केट में छुपी हुई है और हमारे कुछ लड़के भी वहां पर हैं। तो पकड़ो इसे। आइए उस दुकान में देख लेते हैं। 2 किलो लौकी देना। ओ भाई, ओ जरा नरम वाली देना। क्यों? ओ गुस्से में बहुत जोर से मारती हो। ओ तेरी देखो। तब एक जैसे। चल 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 दी। चल। कहाँ ले जा रहा है कुड़ी को? ए बुड्ढे अपने काम से काम रख, चल निकल। बुड्ढा तेरा बाप, अभी दिखाता हूँ बुड्ढा कौन है। ए तू दिखाएगा? तू क्या दिखाएगा रे? चलो मुन्ना। मुन्ना मुन्ना। हाँ जी बुलाया है। आना मुन्ना। धरती हिली। ये देख आ गया मेरा मुन्ना। चलो चल। दुम्ब दुम्ब लक दुम्ब दुम्ब दुम्ब
अब्दुल लक्की मुन्ना का जिगरी। ये मुन्ना है कौन? अरे बोला ना अब्दुल लक्की, ऊंचा सुनते क्या? अरे सुनिए। ओ बेटी, इसका दाहिना कान बचपन से ही खराब है, नो एंट्री है। ये मुन्ना मेरा देवर और मेरा छोटा भाई। अबे शेर के मुंह में हाथ डाला था ना, अभी 6 महीने प्लास्टर में हाथ डाल के बैठना। भाभी मैं चलें? अरे पहले इसे तो घर छोड़ दे। कहाँ रहती हैं आप? इस देश में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक एजेंट मुझे नौकरी के लालच में दुबई ले आया था और मुझसे गलत काम करवाना चाहता था। मैं उसके चंगल से भाग आई। क्या नाम है तेरा? पायल। आज से तू हमारे साथ रहेगी। भाभी पर कॉलोनी में जगह कहाँ है, कहाँ रहेगी ये? हमारे साथ रहेगी घर में। घर में? चल बेटी। आ भाई चल। बीबी पायल समझ लो ये हिंदुस्तान का पुराना नक्शा है। यहाँ हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सब मिलकर रहते हैं। ए, मुन्ना आ गया। हा? अरे मुन्ना सामान ले आया। वो देख वो है हमारा घर। पूरे दुबई में किसी को भी तकलीफ हो उसे यहाँ पनाह मिलती है। बिल्कुल आओ। चलो। अरे ये मुन्ना ने मार्केट से कौन सा सामान लाया? दीजिए, अपना ग्लास दीजिए। ला लाओ जी। खाना बनाना है। भाभी माँ मैं खाना बनाऊँ? अरे तू खाना बना लेती है अच्छी तरह। लो आज भूखा रहना पड़ेगा। आओ तू एक काम कर, चावल राजमा और रोटी तू बना ले, लेकिन हरे भरे करेले तो मैं खुद ही बनाऊंगी अपने हाथों से। वो क्यों? राहुल को बहुत पसंद है। राहुल? हाँ मेरा बेटा आज आ रहा है, यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। ए मुन्ना क्या नाम है कंपनी का? प्राइवेट लिमिटेड। चौबे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, पूरा बोल यार। बड़ा मेहनती लड़का है, 15 दिन में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती है और आते ही सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रख देता है। ए मुन्ना जाना, ले आना मेरे राहुल को। जाता हूँ माँ। अरे अरे मुन्ना गल सुन, तू जा ही रहा है तो एक गड्डी की डिलीवरीज लेनी है, वो भी लेता। कहाँ से? वो डिक्की को मालूम है? अरे अभी तक तो गया नहीं, वो बेचारा कड़ी धूप में इंतजार कर रहा होगा, जल्दी जा। कड़ी धूप में बेचारा। Jason, dream maker, he's so fun.
What's up? Hey, you! Anyone for lollipop? We don't want it. Just get aside. Okay, sorry. Come on. Eat this. क्या बात है भैया, चोरों का सचिन तेंदुलकर निकला रे तू, का फटका मारा और वो भी कितनी सफाई से। वाह वाह, एक बात बोलू, अगर हम तीन जवान लोग मिलकर ऐसी चोरियां करते रहे ना, पूरा दुबई साफ हो जाएगा। हा? सिर्फ ऊंट और खजूर बचेगा बस। ओ, उमर मेरे उमर में कमर में लचक आ जाएगी। अभी मॉस्को चिकना के पास जा और उसका पूरा पैसा वापस कर और उसका कर्जा चुका। और सुन, ये तेरे लिए आखिरी बार काम कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू टीना का मामा है। ए, तो मुझे भी अपना मामा बना लेना। अरे उसी का तो इंतजार है। अरे इंतजार का है का? अभी टीना को बुलाए देता हूँ। नहीं हाँ, तो उसका हाथ थाम ले। हाँ। वो तेरा हाथ थाम ले। हाँ। हाथ पे राखी बंधवा ले, फिर मामा ही मामा। इम्पोर्टेड है इसलिए ज्यादा फूलती है। चुंगम की बात कर रहा हूँ। मैं तेरी भांजी की बात कर रहा हूँ। थैंक्स। नो वरीज। अब वैसे थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अब अगर तुम एन मौके पर सामने नहीं आती तो रिस्क तो तुमने लिया और वैसे मामा का टेंशन भी दूर हुआ। तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन उस मामा की तो हुँ? अब बबल गम कैसा है? ये वेरी नाइस और है मेरे पास, चाहिए? एक सेकंड। दिस इज बेटर। फिल्मी? ये जूठा खाने का इतना ही शौक है तो मेरा हजमोला दे दूं। तू गया नहीं अभी तक? बड़ा शातिर चोर है। हम भी किससे कम थोड़ना है मामा। दूर ही रहना। बुझाया? बुझाया। ए ये तुम्हारा मामा बिहारी में क्या बुझा के गया? कीप सेफ डिस्टेंस। हाँ? Hey you guys, flowing on the flow. Mess with us, we throw you off the dough. Bone with us, we smack you hunk. F to the U to the NK funk. That's right. Sounds good. Bass. Drums. Yeah.
चढ़ावे तन्हाइयां बड़ी है, नजदीकियों में फासलों की लड़ी है. To the hip and the hop, make a stop. Flip to the flop, hit till you drop. Hey, ho, what can you do? Can you show when you blow on your top floor? अरे छोड़ ना यार, आज तेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं, आज तो अपन तेरे फुटबॉल स्टड्स यहीं से लेंगे और बेस्ट लेंगे, क्या बोलता है? और प्रीति के लिए कुछ एक्सपेंसिव चीज खरीदेंगे मैं, ओके? लाओ, ट्राई दिस. ये हुई ना बात, अब देखना ये बेकहम ढक्कन केले पेले सब भूल जाएगी दुनिया. मेरा छोटा भाई दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर होगा. और विकी, कौन सी गड्डी है जो भैया ने कहा था? कोई भी मिल जाए. कोई भी मिल जाए? नहीं नहीं, मतलब जल्दी मिल जाए. क्या अपन को राजा को लेने भी जाना ना भाई? नहीं क्या, नहीं अरे पांच मिनट. अगर पांच मिनट से गड्डी नहीं मिली ना तो मैं गया राजा को ढूंढने. मिल गई, ये ही है. ये की माँ की, ये क्या है बे? अब यही है. या गड्डी है या गड्डी थी लाश. अरे क्या है, बड़े भैया को सस्ते में मिली होगी, है ना? ना तुम्हारा हाथ लगेगा ना, गाड़ी एकदम चकाचक. ला चाबी दे. कल ही बदले भाई, बदबू आ रही है. चाबी. चाबी. अरे मेरे पास कहाँ है चाबी? भाई मुझे लगता है गैराज में रह गई. लेकिन चाबी गैराज में. बहरा तो बहरा भड़कड़ भी खुल गया. हाँ खुल गया, जल्दी बैठो. चुपचाप को मामा, इन लोगों के हाथों में कैसे फंसा? बचाओ! कुछ भी करो लेकिन मामा को बचाओ. कम ऑन मामा, फास्ट चलाओ. हाँ, ए मामा, मुझे ट्रक चलाना आता है कि नहीं? अरे वो तो चलाते चलाते सीख जाऊंगा. अरे ये ले. अबे अरे उसे रहने तो, वैसे ही गिरा हुआ इंसान. अबे रुक. राजा जैसा दिख रहा मुझे? नहीं? ओए राजा दिख नहीं रहा, वो राजा ही है. लेकिन ये ऐसे राजा को मार क्यों रहे हैं? मैं देख के आता हूँ. ओए तू गड्डी संभाल, मैं देख कर आता हूँ. ये क्या नाटक है तेरा? कौन है ये लोग? ए मुन्ना, तेरे को तो मालूम है मेरे रोज का है, अभी भूल बचन छोड़ बचाना है. I love you, Tina.
निकला हूँ भैया। मामा बात है बउआ, ही तोरा हाथ है कि भीम का गदा सबका नॉन स्टॉप फुल स्टॉप लगाई दिए, क्या बात। वाओ मुन्ना, यू आर टू गुड। मुझे लगा मैं जैकी चैन की एक्शन फिल्म देख रही हूँ। थैंक्स। वैसे अगर मेरे साथ रहोगी तो फिल्म देखने के पैसे ऐसे ही बचते रहेंगे। आता हूँ। चलो टोपोरी, अब राजा से राहुल में बदलने का वक्त आ गया है। और डिकी, हां भाजी, चलो उतार कपड़े। अरे कुछ तो शर्म कर यार, मेरी गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी हुई है यार। ए भांजी, वो राजा मैया का वस्त्रहरण होने वाला है, मुंह फेर लो। अरे अरे, तू कपड़े पहना रहा है या सीट कवर चढ़ा रहा है? आराम से, टेक इट इजी यार। ये ले। थैंक्स। ए, ये माँ को देने के लिए तनख्वाह है। और मेरा खर्चा पानी? ए, दूंगा अभी। ये ले, 300 दिरहम। क्या मुन्ना, 3 साल से 300 दिरहम दे रहा है, कुछ तो रेट बढ़ा रहे यार। इतना मुंह खोल रहा है ना, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो किसी रेट के लायक नहीं रहता। अरे लेकिन मुन्ना मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा, शादी के बाद बच्चे होंगे तो स्कूल भेजूंगा, स्कूल भेजूंगा तो स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी ना। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। पैंट खोल, पैंट। ए ए ए, पैंट पैंट को हाथ नहीं लगाना। पैंट पहननी है ना। तू पहन। हां चल चल। हां चल चल। अरे चल 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 चल, कहां जा रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आता हूं ना, और इसको संभाल। ए अरे, हाय। तुम वापस कब आओगे? तुम्हारे बगैर चोरी करने को दिल नहीं करेगा। 2 दिन के पैसे लिए, 1 दिन में आ जाऊंगा, फिर मिलके करेंगे चोरी चोरी, चुपके चुपके। और चलो राजा, और कुड़ी को छाड़े तो घर चल। मैं आता हूँ। उसको भाड़े का भतीजा बना के लेके जा रहा है, मुझे भी भाड़े का बेटा बना के ले चल। बेटा? अबे बाप की उम्र का अबे। हाँ तो हर बाप बना के ले चल। छोटे छोटे का है के छोटे? लगता है इस बहरे का छुट्टा करना पड़ेगा। ए, इस सौ का छुट्टा है का? छुट्टा है ना? है। ये लीजिए। ठीक है। अबे छुट्टा लिया, बंधा तो दे। अभी छुट्टा है ना? हाँ तो इसे बंधा करके बांध के दे ही देंगे। क्या बात है, फिट है, फिट। ताली का है बजा रहा था बे। चल गाड़ी बैठ। I'll see you। जी, ये बैलगाड़ी किसकी है? प्रीति के लिए बोपू ने करी सकते हैं, कितने कंजूस है। प्रीति बॉल खेलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। लकी, गाड़ी कहाँ गई? अबे अभी यार, अपनी गाड़ी। हम लोग ने गाड़ी इधर पार्क की थी ना। हाँ पार्क तो इधर ही की थी, लेकिन यार बॉब, ए ए, तू तूने गाड़ी ठीक से लॉक की थी कि नहीं? हाँ मैं। चाबी किधर है? चाबी किधर है? ये गई। क्या हुआ मैन? तू विधवा हो गया बे। क्या? उसका क्या मतलब है मैन? मतलब ये कि अब तेरी प्रीति नहीं रही, चोरी हो गई अपनी गाड़ी। छोड़ेंगे नहीं मैन, एक एक को छोड़ेंगे नहीं मैं। अरे पहले पकड़ तो ले यार, उसके बाद छोड़ने की बात करना। चलना यार बॉब, गाड़ी ढूंढते हैं यार, चल। माँ, तुम्हारा राहुल घर आ गया। माँ, ये कौन है?
इसको भी भाड़े पे ले। चुप है। अरे पूछ रहा हूँ, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। माँ, राहुल आया। माँ कहाँ हो तुम? आओ राहुल बेटा। आओ। ओ मेरे लाल। मेरे पुना बाबूजी। ओए पेरी पेने खुश रहे पुत्र। राहुल बेटा। आ लाजवंती, ये देखो आ गया तेरा लाल। मस्त। वो बस कर दे। Love you। ये ले माँ, मेरी तनख्वाह। कितना दुबला हो गया तू। अब कैद का खाना नहीं मिलता ना माँ। चार दिन अब इधर ही रहेगा। हाँ 100%। माँ तो मुझसे कितना प्यार करती है। दिन रात काम काम काम, अब यहाँ से हिल के तो दिखा। अरे माँ, इनसे तो मुझे किसी ने मिलाया ही नहीं। ये है पायल, जब से इंडिया से आई है बहुत तकलीफ में थी, अब यही रहेगी। वंडरफुल। हाय, आई एम राहुल। हाय, वेलकम टू द फैमिली। और अब जो मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तकलीफ हो, परेशानी हो, सो यू नो हु टू आस्क। ही मैन। ठीक है। आओ 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 आओ। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओ ना। आज का खाना पायल ने बनाया है। फैंटास्टिक। और तेरी मनपसंद सब्जी भी बनी है, हरा भरा करेला। वाओ चाचू, सुना आपने, हरा भरा करेला, जिससे मुझे सख्त नफरत है। पैसे खाता है ना, अब करेले की भाजी भी खा। इसीलिए तो ज्यादा बनाए हैं। चल जा जा जा। क्या देख रहे हो भाजी? ओए इसमें कोई इंजन विंजन भी है के ऐसे ही खोखा उठा ले आया है? बिल्कुल ठीक कहा भाजी, थका हुआ लग रहा हूँ ना, मैं खाना खा के सोए जाऊं। ओए यार तेरा कान। अब सुन, इसके पहले के पुलिस को पता चले, तू मुन्ना को बोल कि रातों रात इसका हुलिया बदल दे। ठीक है भाजी। और अगर इसका कोई पार्ट्स ना मिले तो दूसरी गाड़ी का निकाल के फिट कर दे। भाजी। सवेरे जो पहला ग्राहक आएगा उसको चिपका देंगे बस। है भाजी। सुन, ओ मुन्ना को शक तो नहीं हुआ कि हम लोग गड्डियां चुराते हैं? हुआ ना। तूने क्या बोला? कसम खा ली। वाह ये बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ऐसे मौके पर कसम खा लेनी चाहिए, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। वैसे किसकी कसम खाई? आपकी। अक्का दुबई ढूंढ लिया मैं, लेकिन प्रीति नहीं मिली। हाँ लकी, अब हम गाड़ी के बिना क्या करेंगे यार? बॉब, तू एक काम कर, जेडी ने जो अपने को एडवांस दिया था ना, वो पैसे लेके इंडिया कॉलोनी जा। सुना है वहाँ पे एक से एक रापची गाड़ी मिलती है एकदम सस्ते भाव में। ए ले मैन, उधर तो पूरा हटेली कोपड़ी का मेला लगता है मैन, उधर आदमी सूट पहन के जाता है और नंगा आते मैन। तो तू नंगा जाना। अरे डैंग को लेके जाना यार, अपना 7 फुट का गुरेला कब काम में आएगा, कुछ भी पंगा होगा संभाल लेगा। क्यों सनी? डैंग। ए सनी, कल तेरा गाड़ी आएगी मैन। खुश? आधे घंटे से क्या सोच रहा है मुन्ना? अरे सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। दो गुट मारो और शुरू करो। ओके, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं आया ही। राजा रुक। ओए कहाँ खिसक रहा है? तेरी भाभी माँ सो रही है, टीना से मिलने जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। ओके। ओए रुक रुक, तुझे 4 दिन के पैसे दिए हैं ना, तू यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं खिसकेगा, समझा? ओके। ये बहरा क्या सुन के गया? हाँ तो 4 दिन के दिए ना, 4 रात के नहीं। तो रात का एक्स्ट्रा लगेगा ना। ओ परवड़ता है तो बोलने, तो मैं चलता हूँ। ए रुक रुक। ये ले। क्या? अब एक फल बोला था ना, 2 ले गया हूँ। एक से काम चल जाएगा। चला लो। ना के पे हूँ, आता हूँ। क्या लड़का? काम कर रहे हैं? हाँ फिट है, आइए। बड़े भैया, ये मुन्ना राहुल को किस बात के पैसे देता है? तुम्हें इससे मतलब? एक मिनट रुको छोटू, ये ग्रीस लगा दे 4 नंबर में। लेकिन इस बात का लाजवंती को पता नहीं चलना चाहिए। 3 साल पहले लाजवंती और राहुल का कार एक्सीडेंट हुआ, लाजवंती कोमा में चली गई। उसे होश में लाने के लिए मुन्ना ने दिन रात सेवा की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहां कहां मत्था नहीं टेका उसने। आखिरकार लाजवंती को होश आया, लेकिन होश में आते ही उसने राहुल के बारे में पूछा, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट के 3रे ही दिन राहुल गुजर गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपने बेटे का गम सह नहीं पाएगी, इसलिए हमें सच छिपाना पड़ा।
लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुन्ना दवाई लेकर अस्पताल जा रहा था कि अचानक मुन्ना किसी से टकराया। सॉरी बॉस। ओए। वो राजा था जिसकी शक्ल राहुल से हूबहू मिलती थी। बॉस जाने दो प्लीज, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। थैंक्स बॉस। मुन्ना ने राजा को पुलिस से बचा लिया और बदले में उसे राहुल बनाकर भाभी मां के सामने खड़ा कर दिया। राहुल? लाजवंती ने उसे अपना राहुल ही समझा। मां? बस वो दिन और आज की कड़ी, तब से ये खेल चल रहा है। इन पिछले 3 सालों में हम तो राजा को अपना बेटा ही समझने लगे हैं, लेकिन वो हमें कस्टमर समझता है। अपनी भाभी माँ को खुश रखने के लिए मुन्ना कहीं से भी उसे 2 दिन के लिए पकड़ के ले आता है और अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसकी जेब में डाल देता है। पैदल आओ, गाड़ी में जाओ, शरीफ लोग लगते हैं। वेलकम्स वेलकम्स, ये गैराज आपके लिए खोल कर बैठे हैं। होंडा, फरारी, लेक्सस, हमर, ब्रांड न्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड तो मिलेगी मिलेगी। हमें भी वैसे सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हटके, है ना? 1, 2, 3। वाओ, BMW? नहीं नहीं, मर्सिडीज है। What? सस्ती है, सिर्फ 40,000 दिरहम। 40,000 में दे देता, लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे से मर्सिडीज, पीछे से BMW, 50-50, मैं सिर्फ 50% देने को तैयार हूँ। ये लो जी, 100% BMW, कहीं और लगा दे। Okay. बस आज कर। थैंक यू मैन। डैंग, इससे कहते गुड डील, समझे मैन? गुड डील। गाड़ी में बैठ के बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। ये तो अपना प्रीति है मैन, ये तो अपनी गाड़ी है। कम डैंग, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। Hey, look, this is my car. Yours, yours. पूरे पैसे दिए तो गाड़ी तुम्हारी हुई। ले भाई, गिन ले। कल कैरफोर का पार्किंग लॉट से चोरी हुई थी। वो तो इसी की गड्डी उठा लाया। बाजी 5 बजे उठ जाऊंगा। अबे जिसकी गड्डी है वही खरीदने आया है। जल्दी से पैसे रिफंड करो, जल्दी। तुम सब छोड़ो। चोर बोल रहा पाजी। ओए जुबान संभाल के बात कर, ये शरीफों का मल्ला है। देख ले तुम्हारी शराफत, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो वरना। वरना क्या करेगा तू? गैंग क्या करेगा? मुन्ना धरती हिली। मुन्ना, मैं बताता हूँ। ये क्या बताएगा, हम बताता है, ये गाड़ी चोरी। ए, क्या चोरी चोरी कर रहा है, गड्डी चुरा कर ले जाएगा। हम ये गाड़ी लेके जाएगा और पैसा भी। देखा देखा मुन्ना, देखा कैसे दादागिरी कर रहा है। ओए तू गड्डी को एक बार हाथ लगा के दिखा। देखते हैं हमको कौन रोकता है। पिटे भाई आओ। एक मारेगा शाला बढ़ जाएगा। अबे एक क्या, 10 मारेगा ना तो भी ये मुन्ना भाई हिलेगा नहीं। अच्छा तो फिर आजमा लो। चल मुन्ना है ना। क्या डिकी, इधर सब सीन शॉट हो रहे हैं, तूने मुझे बताया नहीं? हाँ यार, मेरा पेट भी सुबह से बहुत दुख रहा है। नाश्ते में गड़बड़ थी ना, टैबलेट हो गई, देना है। सुधरेगा नहीं। और बाबूजी क्या चल रहा है? और मुन्ना ने उसे चैलेंजेस फेंका है। कौन? वो सामने। ये बाल की दुकान। अबे ये बाल की दुकान नहीं, उसके बाजू में जो खाल की दुकान है वो। ए, जा, जा। मुन्ना सिंह, ये डक्का तो निकाल दे, लग जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। या!
और मेरी बारी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कितने लोगों ने मारा इसको? एक। कितना मारा? एक। क्या नाम है उसका? एक मुन्ना, मुन्ना नाम है उसका। यहीं इंडिया कॉलोनी में रहता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा कर्जा उतार दूंगा जेडी से अगली फाइट में। तब तक आपको मांगता तो मेरा कुछ गिरवी रख लो। आप मेरा कल से बैटिंग खुल चुकी है, तेरे फाइटर पे लाखों दिराम लग चुके हैं। फाइटर तो तुझे लाना ही पड़ेगा। नहीं लाऊंगा। शट अप। ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, फाइटर तो लाना पड़ेगा। क्यों बाप? मलेशिया का मार्को ने, मैं मेरे पास उसका नंबर है। मैं वो मार्को क्या, मार खा हो गया है। जब से शादी हुई इसकी मार खा खा के अपनी बीवी की पागल हो गया है। पागल हो गया जेडी सेठ। इटली से स्कॉर्पियो बुलाए? अरे नहीं नहीं, वो स्कॉर्पियो उसको लास्ट टाइम फाइट करने के लिए रिंग में भेजा था तो सामने वाले फाइटर के साथ गुड़ की तरह छिटक गया था। वो इश्क हो गया उसको उसके साथ, शादी कर रहा है वो। जेडी सेठ ने उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए डोनेशन दिया है ना सेठ? ज्यादा दिमाग मत चला, जिसने इसकी ये हालत बनाई है उसको लेके आ। मुन्ना, तेरे को बोला था ना पहले ही अपनी जबान से घूमना मत? बोला था ना, अगर शाम की फाइट में फाइटर लेके नहीं आया तो तुम दोनों। नहीं नहीं, समझ गया जेडी सेठ, समझ गया। जाओ जाओ। चल मेरे जिंदा लाश, उठ। जाता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चल। इंडिया से हीरा गायब, तो फिर हीरा गया कहाँ? दुबई। यार आई एम फोन। हेलो, सब सेफ छे? चौकसी काका, सब कुछ एक्स्ट्रा सेफ। ठीक 4 बजे, आई मीन 4 o'clock प्रिसाइसली, तुमको मेरे सगे भाई लालवानी के पास जाना है। ओके। एंड रोकी, लिसनिंग, एक बात कान खोल कर सुन लो, गन्स और गैम्बलिंग से दूर रहना, समझे? जाना है 4 बजे, 2 तू आज वे तू गो मॉस्को। कितने के? फ्री। इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें मेरे लिए जुआ खेलना होगा। बेटू, यू मीन गेमलिंग? राइट। जो मेरा बीच पर हर शाम को इलीगल फाइट होती है, तुम्हें वहां मेरे लिए पैसा लगाना होगा। तो तुम खुद अपने पैसे खुद जाके खुद क्यों नहीं लगा देते हो? मेरी वहां उधारी बढ़ गई है और वो लोग मेरे आदमियों को जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वहां जुआ खेलो। आज जो आदमी फाइट जीतने वाला है उसके बारे में मेरे पास पक्की टिप है, जो मिलेगा 50-50। हेलो, चौबे बोल रहा हूँ। चौबे है? और चौबे तो हम ही है, राहुल है। चौबे जी, ये ले जी। चौबे साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने क्यों फोन। अरे तनिक सुनिए तो भाभी माँ, एक ठो गुड न्यूज है, राहुल का प्रमोशन हो गया है। सच? राहुल का प्रमोशन हो गया है? प्रमोशन? चोर से स्मगलर बन गया है, तो उसे जल्दी पेपर साइन करने के लिए भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। राहुल ऑफिस जाना पड़ेगा, जल्दी आ। मॉस्को भैया, आपके कहने पर तो राजा को भी बुलाए हैं, अब तो बंदूक नीचे कर दीजिए। ले बात कर, मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। हेलो, जल्दी फटाफट हमारी दुकान पे आ जाओ। क्यों? पर टीना से शादी करने के लिए पूरी बारात आई है। क्या? हाँ, अगर तुम आए नहीं तो
हमरे हाथों कन्यादान हो ही जाएगा। ए, 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 तू कुछ नहीं करेगा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, आ रहा है। झूले लाल बेड़ाई पार। अरे बड़ा बड़ा हीरा निठम बाबा, पर एरो हीरो पहली दफा तो निस्ता। क्या आइटम भेजा है मेरे सगे भाई ने? एक बात बताओ, लालवानी तुम सिंधी और मेरी चुकसिका का गुजराती, तो तुम दोनों सगे भाई कैसे हुए? अरे बाबा बड़ी सीधी सी बात है, देखो चौकसी मेरे गुजराती बाप का सगा गुजराती बेटा है और मैं उसकी सिंधी माँ का सगा सिंधी बेटा हूँ। नहीं समझा? फिर समझाता हूँ। देखो अभी ये देखो, ये क्या, ये कौन है? ग्लास। अरे ग्लास नहीं यार, चौकसी। चौक। अच्छा अभी ये कौन है? दूसरा चौकसी। अरे नहीं यार, ये मैं हूँ भाई, लालवाणी यार। लालवाणी, ये चौकसी, ये लालवाणी। अच्छा अभी बताओ ये क्या हुआ, ये इस ग्लास का क्या हुआ? बड़ा ग्लास। अरे बाबा बड़ा तो है, पर इसका बाप हुआ ना चौकसी का सगा गुजराती बाप। अच्छा अभी ये कौन है? छोटा बाप। अरे नहीं यार, ये मेरी माता है यार, नाटी मोटी मेरी माता जी। अच्छा अभी देखो ये चारों मिला के क्या हुए? चार ग्लास का सेट। अरे नहीं यार, फैमिली हुई ना। क्या यार तुम भी। अरे चाचा अपने भतीजे को मामा मत बना, पहले जेब से रोकड़ा निकाल। ये बड़ा कीमती हीरा है यार, रुपया बंदोबस्त करने में भाई टाइम लगेगा। टाइम बंदोबस्त हो जाएगा तो फोन कर देना। अरे चाय पानी तो पीते जाओ भाई, किधर जाता है यार। जुमे रमी जो इलीगल फाइट हो रहा है ना, उस पे बेटिंग करने जा रहा हूँ। तेरे को काका ने तेरे को मना किया जुआ से दूर रहने का, तू कहीं नहीं जाएगा। ए चाचा, आज की फाइट में जो फाइटर जीतने वाला है ना, उसकी मेरे पास पक्की टिप है। तो मेरा भी लग गया ना यार। राजा मुझे तेरा इंतजार था, अब तू कहता है तो जा चौबे, तेरी जान छोड़ी। लेकिन तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। कौन सा काम? एक आदमी को उठाना है। उठाना है ठीक है। वो कब से सो रहा है? अबे वो वाला उठाना नहीं, उठाना है ठीक है। कितने किलो का होगा? अबे तू भी साला ठक्कन है। उठाना मतलब किडनैप करना है। किडनैप? अपहरण? फिरौती? रैंसम? पकड़? जुमेरा पे एक आदमी बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को वहां फील्डिंग लगानी है। क्रिकेट खेलना है? नहीं अभी आप कहते ना किडनैपिंग करना है, तो फील्डिंग बैलिंग बॉटिंग का। एक सेकंड मामा, मैं बात करता हूँ। सीजन से खेलना है या रबड़ी से, जो आप बोले हम तैयार हैं। अबे डेढ़ शाने सुन, जुमेरा पर एक बैटिंग काउंटर है, वहां फाइट पर लाखों दिरहम की बैटिंग होती है। 6 बजे एक आदमी वहां बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को उससे किडनैप करना है। लेकिन मॉस्को भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? वो आप रुकिए, हम समझाते। ऐसा है कि मॉस्को मामू आदमी को हमारा हुलिया बता देगा, वो आदमी चिल्लाएगा चौबे और मुझे फट से पकड़ लेंगे, ठीक है? ए ये ढक्कन का मुंह बंद करता है, मैं करूं? तू अपना ढक्कन बंद कर, तू खोल अपना ढक्कन। आप बोलिए मॉस्को भाई, सॉरी। वो अतरंगी सूट बूट में होगा, मुंह में सोने का दांत, दाएं हाथ में रॉकी नाम का टैटू, उंगलियों में रॉकी नाम की अंगूठियां और हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जो जंजीर से जुड़ा होगा। मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए। आपको ब्रीफकेस चाहिए कि आदमी चाहिए, पहले से तय करके बताइए आप प्लीज। है? अगर तुम दोनों ने मेरा काम नहीं किया ना, तो आप किसी और से करा लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई इंजेक्शन नहीं है। मामा ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ ये नहीं है तेरी। अबे कान का शटर खोल के आखिरी बार सुन ले, मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए, समझा? मॉस्को भाई, उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है? मेरी जन्म कुंडली भाई। कुंडली तो घर पे है, कबाड़ में। घर पे है? गाइस कब बॉल स्क्वॉच की। ए कबाड़ी है, काम खत्म होते ही मुझे फोन कर देना, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। ओके कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। यस सर। राजा क्या सोचा तुमने? सोच रहा हूँ कि हम रॉकी को किडनैप करके यहाँ लाएंगे कैसे।
उसे किडनैप करने के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी और एक ड्राइवर की जो गाड़ी को हवा से भी तेज चला सकता पुट पायलट पायलट अरे गाड़ी हवाई जहाज की तरह उड़ाता है फैंटास्टिक अरे तो उसको बुला लो ना वो आएगा नहीं कमीना क्यों नहीं आएगा अरे भैया उसका कर्जा जो चुकाना है ना राजा अरे इसके सर पे किस किस का कर्जा है यार और तुम्हें रात को नींद आती है या नहीं पहले नींद नहीं आती थी बबुआ लेकिन एक दिन सुबह सबको बुलाकर हमने बता दिया कि देखो भाई हमारे पास तो पैसा है ही नहीं फिर उस दिन से उनको नींद नहीं आती है और हम आराम से सो जाते हैं ए मामा अभी सोने का टाइम नहीं है कुछ भी करके उस ड्राइवर को लेकर आ तब तक मैं कॉल नहीं कराता हूँ राजा हाँ तुम वापस क्यों जा रहे हो ये तुम्हारे मामा ने जो मेरा नकली का प्रमोशन कराया है ना उसकी खुशी में कॉलोनी में असली का सेलिब्रेशन हो रहा है और अगर मैं वहां दो घंटे में नहीं पहुंचा ना तो मुन्ना ने कहा है कि वो सोच अगर तेरे हाथ की जगह तेरे टांग होंगे और टांग की जगह तेरे हाथ कैसा लगेगा कैसा लगूंगा वेरी बैड मीठी सेव गुड़ियों दे बतियां भुला दे जैसी थी वो पहले दिया गुड़ियां थोड़ो से मीठी सेव गुड़ियों दे बतियां ओ सिगड़ी लगदी ओ सिगड़ी लगदी ओ सिगड़ी लगदी ओ सिगड़ी लगदी चल कहाँ रे तेरा ये मुन्ना टुन्ना कौन है वो देख वो केकड़ा वो नहीं हरा टी शर्ट में वो हरा भरा कबाब है ना वो मैं अच्छा वो है चल मैंने मैं बहुत डेंजर आदमी है नहीं नहीं तू नहीं आ रहा नहीं नहीं मैं जाऊँ जा तू नहीं आ रहा ना नहीं नहीं मैं नहीं मैं जाऊँ जा तू चाहता है मैं तेरे लिए लड़ूं या क्यों क्यों बोले तो मैंने अपने 7 फुट का गुरेला भेजा था ना इसके साथ में इधर तुमने उसको एक ही चम्मच में लाइफ टाइम के लिए लंच खिला डाला यार अब तो लकी के लिए लड़ना पड़ेगा ना तुमको मुन्ना नहीं लड़ा तो तू मरेगा बे मैं मरेगा बे मरेगा मैं
देख मैं बोलता हूँ मुन्ना हमारा ऐसा फालतू फाइट नहीं करता। फालतू फाइट नहीं है, मस्त फाइट है यार। और जितना भी पैसा आएगा ना जबान पे लकी के, अपन आपस में 50-50 कर लेंगे। 50-50 तो डील पकी हुई लकी। बाप तेरे को क्या लगता है? ठीक है डील मंजूर है। मंजूर है? फैंटास्टिक। लेकिन तुम्हें बस्ती की कुछ जरूरतें पूरी करनी होगी। जरूरतें? हाँ बोलो ना, बोलो क्या? हमें पैंट चाहिए। पैंट? पैंट? पैंट मिल जाएंगे। पैंट क्या आपको शर्ट भी दिला देंगे? कौन से कलर में चाहिए? वो जींस मेरे लिए वाली पैंट नहीं तो? ओए दीवार पे करने वाली पैंट यार। पॉप इनको वो वाला पैंट चाहिए। लिख लिस्ट बना। तो डील पकी हुई लकी। अब और टैंक चाहिए। वाटर टैंक मिल जाएगा। इतना बड़ा वाटर टैंक दूंगा कि आप लोग सब उसमें डूब जाओगे। अब डूब डूब के नहाओगे। तो डील पकी हुई लकी। एक और चीज। एक और चीज? ये बच्चे का नया कान चाहिए। कान? मिल जाएगा। बॉब तेरे दो कान है ना, एक दे दे। नहीं। तो भैया डील पकी विद लकी। और डील उसकी मोमेंट ठीक नहीं। अच्छा बाबा बाबा को पर गाने के बारो फूली पर सेवो सेवो मेरा मैं कितना भौंकते रहे इसको बंद करो भाई। अरे भौंक नहीं रहा है, अंताक्षरी खेल रहा है तेरे साथ। अभी भाई आना इसलिए भौंक रहा है। चौबे मेरे सिंगिंग का भंग से करने के लिए मैं पहले बोलते गड़ी गड़ी बोलेगा नहीं तो मैं मलबारी सब को बारी समझे कि नहीं। ये पुट्टू पायलट की गाड़ी है, इसमें मैं अकेले ही भौंकेंगे गाएंगे। अरे का है भौंक रहा है? सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? खाया ना मामा, सुबह से 2 न्यूज़पेपर, 3 रिमोट कंट्रोल और 1 कंप्यूटर माउस, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। ये हड्डी बिस्कुट खाते नहीं क्या? खाता है ना, हड्डी बिस्कुट छोड़ के सब खाता है समझा। अभी चुप करके चला नहीं तो तुझे भी खा जाएगा। हाँ इसलिए इसका नाम भजमोला। का है फिर से गाना शुरू किया तुमने? अरे मैं नहीं गा रहे भाई, मेरे मोबाइल है। कौन है? हेलो कौन? कभी किधर है? किसके साथ में? अरे उसको रोको भाई, रोको उसको भाई। मेरे औरत भाग भाई। औरत तेरा शादी कब हुआ? मेरे शादी रही हो गया। ए, कौन रे? रंग नंबर अप्पू, अप्पू देख रहे मेरे को तोड़ देने के लिए मेरे शादी हो गया, मेरे औरत भाग गया, डर गया। वैसे भी शादी होता तो औरत भागता ही था। ए चुप रे, केरला में औरत भागते नहीं, हस्बैंड भागते हैं। हाँ भाग के दुबई आके गाड़ी चलाते हैं। चलाते नहीं उड़ाते। मेरे नाम पुट्टू पायलट है, मुंह बंद कर, तेरा मुंह है टॉयलेट है। इधर कहाँ है रोका गाड़ी? पेट्रोल फुल कर रहे। ए मामा ये कैसा गधा ड्राइवर उठा के लाया तू? खुद ही खुद के साथ अंताक्षरी खेलता है। खुद की शादी हुई है नहीं पता नहीं, ये हम लोग को दुबई के रास्ते क्या दिखाएगा यार? ओ भांजे उधारी में ऐसा ही ड्राइवर मिलता है, चुप कर। तो क्यों करता है उधारी? अरे कितना भौंकेगा, अब का हमें खाएगा का? इखा इखा ये भी तेरी तरह भौंकता है, खा खा का। मेरा मोबाइल? अरे जो भी मेरा मोबाइल का फोन देख रहे? नहीं हमने नहीं देखा। फिर ये आवाज किधर से आ रही? इधर आवाज बाप रे किधर से? इधर से मेरे मोबाइल की आवाज आ रही। वो हमारा हजमोला तुम्हारा मोबाइल खा गया। ये कालिया वो इनकमिंग फ्री था तो हजम कर गया। नहीं मेरे मोबाइल मेरे को चाहिए रे भाई। तो क्या मुंह में हाथ डाल के थोड़ी ना निकालेंगे हम? देखो मेरा मोबाइल मेरे को चाहिए, मेरे इम्पोर्टेंट को होएंगे तो। ठीक है ठीक है। ए टीना ये सुबह कितने बजे जाता है? 2 नंबर। मामा करीब 10 बजे। 10 बजे ना, तो 10:15 बजे 2 धाके दे देंगे। मेरे को कल सिम कार्ड दे देना भाई, इंस्ट्रूमेंट आप लोग रख लो। पदीना
वेटिंग प्लेस। जेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बेटिंग कहाँ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दाम पे तेरे लाख रुपए के बेटिंग चलते है। अरे हाँ वो सब ठीक है, तू आगे गाड़ी लगा चल। हाँ भाई लगा दे, पता नहीं 17 लाख की कब आए। अरे पुट्टू तू अंधा हो गया क्या? पीछे गाड़ी खड़ी थी, ठोक दी तूने। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। उधर पूरा हवाई जहाज पार्क हो सकता है, क्या जगह नहीं है? मैं हवाई जहाज से आएंगे तो इधर पार्क करेंगे, अभी मैं गाड़ी में आया तो इधर पार्क करेंगे। ये देख मेरे से ज्यादा बेंगल लेने का नहीं, मैं मलबारी सभी को बर्बारी पहले बोलेंगे। शट अप, ये मलबारी और बिहारी के बीच में पागल हो रहा हूँ मैं। ये तेरे को बोले हैं? तेरे को बोल रहे हैं। अरे तेरे को बोल, दोनों को बोल रहा हूँ मैं, दोनों को। ओके तो ठीक है। रॉकी डैम फूल, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। हेलो लालवानी, ये रॉकी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे साईं कैसे उठाएगा, वहाँ शोर शराबा इतना है कि फोन की घंटी क्या घंटा भी सुनाई नहीं देगा। पर किधर गया है वो? अरे साईं वो फाइट में जुआ खेलने गया है, शाम तक मेरा पैसा भी डबल कर देगा ऐसा बोला। गैम्बलिंग लालवानी, यू इडियट। मैक्स पैक माय बैग्स, चोक्सी गोइंग टू दुबई। कार्टून खेल सप्पा गांडा घनचक्कर अदावली ने खुआ टैग। चोक्सी भाई मेरे सिरा, मैंने रॉकी को गैम्बलिंग से दूर रहने को बोला था, ऊपर से तूने उसको पैसा देके जुए के लिए भेज दिया। भाई वो बोला पक्की टिप है, पैसा डबल हो जाएगा, इसलिए मैंने लगाया नहीं। अरे अभी इधर हम लोग लग गए ना, किधर गया रॉकी बैटिंग के लिए? चल में उड़ के जाएगा ऐसे। ये लगता है कि 3 लाख हो गया। और अच्छे और लाइट नहीं बाबा, मैं तो हर जगह ढूंढ के आया, डाकी का कहीं पता नहीं। किधर गया रोकी, किधर गया? मेरे को लगता है बुकीज में गया होगा पैसा लगाने। बुकी किधर है? जुमेरा, जुमेरा किधर है? जुमेरा इधर ही तो है बाजू में। मुन्ना अगला आ गया है, हो जाए शुरू। और जब इसका नाच गाना खत्म हो जाएगा ना तब उठाना। फिट है मुन्ना लुक स्ट्रॉन्गर। यू राइट। ये मुन्ना, हम भी मुन्ना पे पैसा लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जेडी सेठ। वो अपन का फाइटर ठीक दम है, उसको बोल पहले राउंड में जम के लड़े। जम के लड़ेंगे सेठ? दूसरे राउंड में जबरदस्त लड़े। जबरदस्त लड़ेंगे सेठ? और तीसरे राउंड में गिर जाए। गिर जाएंगे सेठ? भाड़ में जाबे। शट अप। आपको नहीं, ऐसा वो मुन्ना मेरे को बोलेगा सेठ, वो गिरने वालों में से नहीं है, वो नहीं मानेगा सेठ। लकी अगर वो नहीं गिरा ना तो तू जरूर उठ जाएगा। घंटी? घंटी बज गई,
चल जा। बच गई घंटी। मुन्ना क्या है? एक मिनट मुन्ना, एक मिनट, एक मिनट मुन्ना। हाँ बोल, एजेंट बात कर रही थी। क्या बोला? बोल, वो झड़ी से करा उसने। अबे बात कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा है? अबे चुप। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मिनट शांत। हाँ बोल। ये रुक, मैं एक मिनट जाने समझा के आया। अरे मेरी बात तो सुन मुन्ना, बात मत कर, बात तो सुन। आते क्या कैंडल ले ले ले। 5 घंटे से तेरा गाना सुन सुन के हमारा गला भी खराब हो गया। एक तो मैं लैक पर अटका है, लैक पर को गाने के जरे बोलो ना भाई। मेरे को मालूम है, बताऊं? बोलो ना। लो से लाफा है, खाएगा राजा। रिलैक्स पुट्टू, आगे देखो ना, वरना रॉकी निकल जाएगा। मैं नहीं देखेंगे। काहे नहीं देखेंगे? मेरा दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? ये बता तो, वो का है? वो गोल गोल राउंड वाले, वो चांद है। चांद है ना, तो और कितना दूर देखेगा बुड़बक। यही वो बुकीज की जगह है, यहीं पर रॉकी आया होगा। ऑल राइट छे। ओके ओके, ऑल राइट छे। चिकना भाई, हेलो। ए, अभी तक उसे उठाएगे नहीं? चिकना भाई, रॉकी आया ही नहीं तो उसको उठाएंगे कहां से? क्या ब्लडी रॉकी, पता नहीं इस वक्त कहां होगा। एक बार सामने आ जाए ना, 25 सब और राइट कर दूंगा। अरे लगता है रॉकी आया, मैं आपको फोन करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? All right, छे। राजा मारो। टोक रे। इस साले को। टोक दे इसको। लगो दस। सॉरी अंकल। अंकल गिरे मारे। मामा जल्दी कर, कम ऑन। पुट्टू इसको गाड़ी में डाल। मामा इसके हाथ में रॉकी नाम की अंगूठी नहीं है। अरे वो डाल देंगे। मामा इसके हाथ में रॉकी भी नहीं लिखा है। अरे वो लिख लेंगे, उसका स्पेलिंग क्या होता है? इसके ब्रीफकेस में जंजीर नहीं है। दांत चेक करो, दांत। मुंह में सोने का दांत भी नहीं है। वो लगा देंगे, लगा देंगे, हा? लगा देंगे। अरे मामा ये रॉकी नहीं है, हम लोगों ने गलत आदमी को डंडा मार दिया। मॉस्को चेक करके कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो आप पता नहीं क्या करेंगे। ए चोबे, मॉस्को चिकने गया बैड में। मेरे को पहले मेरे पुराने कर्जा और अब्बी का गाड़ी का भाड़ा अब्बी का अभी मेरे को मंदे। एक सेकंड, एक सेकंड। कर्जा चुकाएंगे कैसे? वो किसको लूटेंगे? याद है मॉस्को चिकना ने क्या कहा था? यहाँ पे लाखों की गैंग। चल चल लूटते हैं, चल। Come on, let's go. एक मिनट, मैं इधर ड्राइविंग के लिए है, चोरी करने के लिए नहीं है, पहले बोल दे। अच्छा ठीक है, टीना तुम दोनों यहाँ रुको। मामा चल, हम दोनों बुकीज को हिला कर आते। चल। Hands up, everybody, hands up. मामा इधर यार, क्या कर रहे? कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। कोई हिलने वाला है ही नहीं, तू मत हिल भाई। हेलो, hands up, hands up. हेलो मैडम, ओ इसमें गन है, गन। हाँ ये कोई डंडा नहीं है। हाँ समझी, मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, बहुत डेंजर। हमारे बारे में भी बताओ। हाँ ये भी है, ये भी है। का ये भी है? डेंजर है बोलो। हाँ हाँ डेंजर है, डेंजर है ये भी। मैं हेल्प यू। ए मामा क्या कर रहा है? कहाँ बोली अंग्रेजी माँ? ए बुलबुल नाटक नहीं, पैसा निकाल, पैसा। तुम जानते हो यहाँ का मालिक कौन है? अरे मालिक को का चाटना? एक तो मिनट ब्रदर, शास्त्र में साफ साफ लिखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निकाल कैश, निकाल। ये तो शर्मा गई है, है? शर्मा नहीं गई है, ठरकी फंसा गई है। फंसा रही है? भाग,
मामा छोड़ दे, हम लोग ऑटो लॉक हो गए हैं। का मतलब? मतलब अभी अंदर से नहीं खुलेगा। पुट्टू, ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? मेरे को लगता है कुछ गड़बड़े, मैं देख के आएंगे। कह रही चोरी करने के लिए है कि आराम करने के लिए है? काम चोर लोगे। अरे जिस दरवाजे से तू आया ना, वो दरवाजा लॉक है, हम बाहर नहीं जा सकते। बुड़बक साला, ये दरवाजा बंद मत कर। ए गधे, चल चल। हमारे का दरवाजा, ये दरवाजे का प्रॉब्लम के? अरे लोगों के, बापरे, ए कौन है? कुछ तो सही कर। इट्स ओके। अंगूठी, जंजीर वाला ब्रीफकेस भी। रॉकी? यस। लकी, क्या नाम बताया था तूने अपने उस फाइटर का? मुन्ना जेडी सेठ। एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी। तेरी ये गलती एक खोखे की पड़ी मुझे। खोखा बोले तो? करोड़ मेन। करोड़ कैसे? मैंने इसकी जीत पर 4 के भाव से 1 करोड़ लगाए थे और ये हार गया। लेकिन जेडी सेठ, इसमें हम लोग का क्या गलती है? वो उल्टी खोपड़ी का मैकेनिक है साला, वो एक पाने में इंजन खोलने की आदत है ना उसको। जब तक मैं वहां लेट पहुंचा, आपका फाइटर बेचारा लेट हो गया। लकी, तू जानता है परसों क्या है? आपका बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। लकी, परसों एक और फाइट है ना। ओह, फाइट है, फाइट फाइट है यार। अगर आज की फाइट में ड्रैगो जीतता तो परसों की फाइट में फेवरेट कौन होता? ड्रैगो। अब कौन होगा? उन्ना। पब्लिक किस पे पैसा लगाएगी? मुन्ना पे। कितना? डबल। तो मुन्ना वो फाइट लड़ेगा ना? लड़ेगा। लाएगा कौन मुन्ना को? मैं। और तीसरे राउंड में मुन्ना नहीं हारेगा जेडी सेठ, वो उल्टी खोपड़ी का मैकेनिक है, नहीं मानता। तो उसकी उल्टी खोपड़ी में सीधी बात डालना तेरा काम है, वरना तुम दोनों की खोपड़ी के कितने टुकड़े करने हैं ये पीटर अच्छी तरह से जानता है। लग गए तेरे। मतलब तेरे काम पे लग गए जेडी सेठ, हम तेरे लोग तेरे काम पे लग गए। चलता है, चल चल, मुन्ना को लेके आता है। मुन्ना संभाल कर। नाडी, ये का आलू का बोरी है? ये जिंदा आदमी है, ऐसे पटके का मर जाएगा ससुरा। ये तेरे ससुर है क्या रे? ससुरों को डंडा मरवा रहे तू? अरे ससुरों का तेरा बुड़बक। मेरी शादी नहीं होगी, किधर ससुर मेरे को? कौन करेगा बेवकूफ से शादी, करेगा कौन? तेरे पीछे जैसे लड़की लोग लाइन लगे। मेरे पैसे दे पहले। अरे पैसा ना नहीं है, पैसा नहीं है। रुक रे, एक तो तेरे कुत्ते ने मेरे मोबाइल ही खाया, ऊपर से बोलते पैसा नहीं है। ऊपर से कहाँ बोला? वहाँ नीचे तो खड़े खड़े बताया ना, ऊपर से कहाँ बोला नहीं है पैसा? तेरे पास कटोरे है? भीख मांगना? रहा कटोरा, जाना के सिग्नल पे भीख मांग, और डॉलर दे रहा हम सब जमा के दो, जाओ भीख मांग, जा। देखते भीख कौन मांगते तेरे। मर गए क्या? हटो, सब क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पर? मारा इसमें पुट्टू तूने? हाँ, साले को कटोरा दिया तो भीख मांगने को सर पे ठोक दिया। ठोक दिया। मेरे पैसे नहीं देंगे तो भाई तेरे को भी मारेंगे। भाई मलबारी, सबके ऊपर भारी। चुप, एकदम चुप। अभी बॉस को चिकना आएगा, उसको उसकी कुंडली देंगे, सबको अपना पैसा मिलेगा, मामला सेटल। ओके, ठीक है। साला का है इसकी कुंडली में जो इतना ताला चाबी लगाए हैं?
माल कहाँ है? अब एक मिनट, ये लीजिए मस्को भाई। ये क्या है? आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली काई को बॉल्स कॉश की। लगता है तुम लोगों की जन्म कुंडली मिटानी पड़ेगी, ठोक दूंगा। यो चिकड़ी दादा, मेरे को एलक तो कोई लेने दे रही है। मैं एक सिंपल ड्राइवर है, मेरे छोटे छोटे बीवी लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग है। अगर मैं हो जाएंगे कल्टी, वो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तोरा शादी कहाँ हुआ रे? झूठ बोलता है ससुरा। कई कुरे तेरे होने वाली भाभी को विधवा करेंगे। ये देखो आंख मारता है। नहीं मारे आगे आंख मारता है। आपको सबूत चाहिए? एक कमा रहा है, सबूत चाहिए? ये देखो हाँ बोलता है। नहीं नहीं बोले। हाँ बोला है। नहीं बोल रहे हो? चलो चलो सबूत। क्या कर रहे हैं मामा? ए हीरो, हीरा निकाल वरना हीरोइन आउट। इका बाबू, मर्द होकर बच्ची पे बंदूक रखते हो? थो, अरे हिम्मत है। हाँ हिम्मत है तो इस पे रखो। मेरे कई को बजा रहे रही। तू कहाँ ना गोली? हमको एसिडिटी है, गोली नहीं खा सकता, हजम नहीं होता। तो पीने छोड़ा, मेरे को कहीं को घोड़ा। ए शांत पति बंद करो। ए हीरो, हीरा देता है या गोली चलाऊं? क्या मस्को भाई, शांत पट्टी तो आप करें ना भाई। क्या है कि हीरे में से थोड़ा सा हमको भी मिलना चाहिए ना। हिस्सा चाहिए? लाइन में आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबको अपने अपने हिस्से की गोली मिलेगी। अब मॉस्को भाई गोली क्या? बेवकूफ, मॉस्को चिकना भाई से पंगा लेते हो। ये मॉस्को चिकना को गिरा दे दो। चौबे चौबे मेरे भैया। ये अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले कि हीरा चुराने में मॉस्को चिकना का हाथ है। हीरा निकाल वरना दूसरी गोली निकलने में देर नहीं लगेगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी किसी को यह बताया कि हीरा मॉस्को चिकना के पास है तो तुम भीख मांगने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम सबके हाथ काट डालूंगा। यह मेरी लास्ट टाइम फर्स्ट वार्निंग है। लास्ट टाइम फर्स्ट वार्निंग? पहले तो हम छोटे मोटे चोर थे, अब खूनी कहलाएंगे। आसमान से गिरे हैं खजूर माट के। एक सॉलिड आइडिया आया। सुनो, तेरे दिमाग बहुत अच्छा चलता। चल बोल बोल बोल। एक काम करते हैं, इधर आ। ये जो डेड बॉडी है ना, उसको उठाकर दुकान के बाहर रख देते हैं, ठीक है? और उसके जेब में चिट्ठी लिखकर डाल देंगे कि इस मर्डर से चौबे, टीना और राजा उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आया आइडिया समझ में? तो फिर शक किस पर जाएगा? मैं पढ़ा लिखा आदमी है, मैं भी चिट्ठी लिख के लाश के जेब में डालेंगे। इसमें मेरा हाथ नहीं है, चौबे का हाथ है। हम एक और चिट्ठी लिखेंगे कि पुट्टू पायलट का चिट्ठी झूठा है, वही खूनी है सारा। मैं एक और चिट्ठी लिखेंगे तो हम टेलीग्राम करेंगे। मैं फैक्स करेंगे तो ईमेल करेंगे। मैं फीमेल करेंगे। शट अप, जस्ट शट अप। ये क्या लगा के रखा तुम लोगों ने? मैं चिट्ठी डालूंगा, मैं चिट्ठी डालूंगा, मैं चिट्ठी डालूंगा। अरे वो डेड बॉडी है या पोस्ट बॉक्स है? सोचो अभी। तीन राजा, मेरे कोई ससरे से कोई लेने देना नहीं है, मैं जा रहे बस। हाँ चलो, माना 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 कि वो ससुर हमारा है। माना वो ससुर आया किसकी गाड़ी में? मेरे। अंदर लाया कौन? मैंने। ससुर को कटोरा किसने मारा? मैंने। तो सारे सबूत तो तोरे खिलाफ है बबुआ, बुलाएगा पुलिस को? हाँ
फोन करे सीबीआई को। देख तू मेरा इतना पुराना दोस्त होकर के इतना गंदा क्यों सोचते रहे? अबे मेरे को पसाड़ी के लिए दोस्त है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है? मामा क्या करें इसका? क्या करें, छोड़ देते हैं, लेकिन एक कई शर्त पे। क्या शर्त है? इलाज को तू ठिकाने लगाएगा बबुआ, वरना हम तुझे ठिकाने लगा देंगे। हाँ ये बात तो सही है, सोच ले बुट्टू। मैं काली चाबी घुमाता है, ये देखो कैसे टोपी घुमाते है। मैं दो आदमी को जान दे जो डेड बॉडी को डिस्पोज कर सकते हैं। दिखाओ भाई, इन्होंने अपने बुकी से चोरी करने की कोशिश की और अपने क्लोज सर्किट कैमरा से पकड़े गए। कौन है नमूने? पता नहीं भाई। अरे इसको तो मैं जानता हूं, पुट्टू पाले भाई। दुनिया भर के गंदे कामों में इसका हाथ है, ड्राइवर कम कार्टून ज्यादा है। पकड़ो इसे। ठीक है भाई। मुन्ना प्लीज मान जाना, अपुन सब कराता है ना, वो कॉलोनी पेंट करेंगे अपुन। परे हट और नीचे नीचे। रुक 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 रुक, मैं तेरे लिए लड़ूंगा लेकिन एक काम करना होगा। अरे एक क्या मुन्ना, तू अपुन के लिए लड़ेगा, अपुन दो काम करेगा, बोल ना करना क्या, बोल। नहीं 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 कर पाएगा, अरे इसकी बॉडी में वो बात नहीं है। अरे है ना बॉडी, बॉडी सब है ना मुन्ना, अपुन करता है ना। टाइगर को पकड़ के पिंजरे में डालना है। पकड़ेगा ना टाइगर? पकड़ेगा ना? किधर है? पीछे। ओए ऊपर ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। ये टाइगर है। अपुन अभी जाके पकड़ते हैं। ओके बाप। गुड बॉय, आजा आजा मेरे लाल, आजा मेरे तंदूरी चिकन। टाइगर मुन्ना पकड़ लिया अपन टाइगर को, पिंजरे में बंद है। दूसरा काम? अरे दूसरा काम कौन सा? अरे तूने ही कहा था दो काम करेगा। अरे मैंने कब? अब किसको पकड़ना है? मिंटो टाइगर्स का चचेरा भाई। अच्छा अच्छा मुर्गे का भाई, अरे यार उसे भी पकड़ता हूँ अभी। ए लकी मैन, इस बार मैं पकड़ता हूँ, तू थक गया होगा, रेस्ट मैन, रेस्ट। ये मैन, चलो बॉब पकड़ेगा मिंटू को। कहाँ है ये मिंटू? अरे पीछू पीछू, नीचू नीचू। अबे ये तो कुत्ता है यार। ये मतलब ये मुर्गे का चचेरा भाई कैसे हो सकता है? भागते भागते पूछते रहना, वो पकड़ते पकड़ते बताता रहे। I'm gonna get out of here.
like that. मैं बंटा नहीं, ये संटा नहीं. तो फिर कौन हो भाई? ये बंटा, मैं संटा. एक्चुअली हमको पुट्टू पायलट ने बॉडी डिस्पोज करने के लिए भेजा है. अरे हाँ. अरे आओ ना. किसने ठोका इसे? मॉस्क. चुप. क्या मामा? ए उमराव जान, इसको किसको काम करो किसको? नहीं वो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करो. क्या रिक्वायरमेंट है? एक किलो हल्दी, आधा किलो पीसा लहसुन, पाव किलो खाने का तेल, एक खजूर, बोरी धोने का साबुन, भाई शक्कर, दो किलो शक्कर, 25 कच्चे लीमू. ओ ये रिक्वायरमेंट दे रहा है, अपने घर का राशन भर रहा है. कल उठ के मैले कपड़े भी धोने को देगा साला. अच्छा मामा एक सेकंड. टीना सर अंदर देखो ना, कुछ है क्या? पता नहीं, अब जो मिलता है देखती हूँ. वैसे आप ये सब काम खुद ही करने वाले हैं या कोई आने वाला है ये सब करने के लिए? कुली है हमारे पास. ये बाहुबली है ने, 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 तो ने. अच्छा ये है. आइए आइए. तो आप है कुलियों के मुखिया, ठीक है? सच्चा. कपड़े तो चकाचक पहने, लगता है धंधा जोरों पे चल रहा है. आइए आइए काम पे लग जाइए. आइए आइए. ये लो आ गए मजदूर यूनियन के नेता. चलो भाई काम पे लगो चलो. ओ चश्मेश, हम लोग के पास टाइम नहीं है. डेड बॉडी ये नहीं है, डेड बॉडी उधर है. चल काम पे लग चल. तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कैसे आदमी रखे हैं काम पे भैया, खुद ही भूल गया कि कौन है. क्या बात है भैया, इतने बड़े हो गए हो कि बिना नाम और नंबर प्लेट के भटक रहे हो. चलो ठीक है, इनका नाम रख देते हैं चंदू और पसंद नहीं है पांडू, लालू, ललवा, जेडी. चलो जेडी ठीक है. अरे शहर का सबसे बड़ा डॉन. तुम लोग मेरे बुक ही गए थे ना? हमने लेकिन हम लोग आपके बुक. बुकीज बुकी बुकीज क्या होता है डॉन भाई? हम लोगों को तो मालूम भी नहीं है बुकीज क्या होता है. बोलो ना मामा. हाँ हमको तो पता ही नहीं है. और वो जुमेरा बीच वाला बुकी तो हमको बिल्कुल पता ही नहीं है. वही वही ना जहाँ पे वो लड़की चश्मे लगा के बैठती है, बटन दबाती है, फटाफट लाल लाइट होती है, खिड़की दरवाजा बंद हो जाते हैं. हमको पता ही नहीं है. हमको बिल्कुल पता ही नहीं है बुकी का. ए हीरो किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए. और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है. आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो, आपकी कोम वाली भी चलेगी तो बता दीजिएगा. बाकी हम तो आदमी बातमी नहीं है. पीटर अब सारी बात समझ में आई. हिंदुस्तान का मशहूर हीरा यहां आ चुका है. पर तुम लोगों ने एक बात नहीं बताई कि वो हीरा है किसके पास? उसके पास भाई. किसके? वो उसके पास जो इसने कहा अभी. किसके पास? अरे इसका उसका मत कर, नाम बताइए. बहुत डेंजर आदमी है भाई. डॉन भैया बात यह है कि उन्होंने लास्ट टाइम फर्स्ट वार्निंग दिया है कि अगर हमने उनका नाम बता दिया तो हमारे दोनों हाथ काट डालेगा. किसके पास? चिकन मस्का. मॉस्को चिकन. मॉस्को चिकना. मैं क्या करूं अब? मॉस्को चिकना. जाओ तुम लोगों की जान बख्शी जाओ. 24 घंटे की मोहलत देता हूं. जेडी को वो हीरा चाहिए और मौस को चिकना से चुरा कर लाओगे तुम लोग. हम? तुम लोग दुबई छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि डॉक पर और एयरपोर्ट पर मेरे आदमी हमेशा तैनात रहते हैं. भागने तो क्या, चलने के लायक भी नहीं रहोगे. मतलब? क्योंकि मैं तुम लोगों की टांगे काट डालूंगा ना, और ये मेरी तुम लोगों को फर्स्ट टाइम लास्ट वार्निंग है. कैसा लगा? वो लास्ट टाइम फर्स्ट वार्निंग देखेगी,
ये फर्स्ट टाइम लास्ट वार्निंग देखेगा। वो हाथ काटेंगे, ये पैर काटेंगे, बचेंगे क्या? अरे बाबा चिंता छड़, साईं चिंता छड़, मैं बैठा हूं ना। Nothing alright छे। हमको रॉकी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हूँ बर्बाद थई जस लालवानी बर्बाद। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो लापता का पता लगा सके। हाँ, उसका क्या पता है? वो मुझे नहीं पता, उसका नंबर मेरे को याद है। Tell me। G9। G9? ये कैसा फोन नंबर है? अरे ये फोन नंबर नहीं बाबा, ये उसका नाम है, गन मास्टर G9। बता, मल्होत्रा के बाथरूम से उसके बीवी का इंपोर्टेड शैंपू किसने चुराया? बताता है क्या निकालूं? पता खींच। अच्छा, यानी कि यह शैंपू तूने अपने ही बाल पे इस्तेमाल किया। ये बाल मल्होत्रा को देना हो, ये बाल मल्होत्रा को देना होगा। नहीं नहीं नहीं, हेलो गुड मॉर्निंग G9, मे आई हेल्प यू प्लीज? मेरा भतीजा गायब हो गया भाई। तुम्हारा भतीजा मिल जाएगा लालवानी। क्या भाई, कोई अनाथ आश्रम है, रेलवे स्टेशन है, सीधे अंदर घुस के नो नॉकिंग है, इनकमिंग है सीधा। वेरी गुड, पत्ता खींच। पत्ता खेलना है? देखो भैया, हम जुआ नहीं खेलते। आपको कैरम खेलना हो, म्यूजिकल चेयर खेलना हो, कबड्डी खेलना हो, कल आज हम ऑफ हो। अरे ज्यादा मत बोलो, तुम दोनों का लाइफ ऑफ कर देगा। जानते नहीं कौन है ये? लो, इनको भी नहीं पता है कौन कौन है ये। गन मास्टर G9। 9, 10, 11, 12 जो भी गिनती करने के बाहर जाके करने के। G9, डोंट वेस्ट टाइम। किधर है रॉकी? इसको कहीं देखे हैं हम? देख रहे, इसको किधर देख रहे? खींच। व्हाट? ओह या, तुम्हारा रॉकी इधर ही है। बहुत सरस रॉकी, रॉकी, ऑलराइट छे। ए रुक, ए बाबू, व्हाट? हम आपको कहीं देखे हैं। हमको? हाँ। अरे नहीं, हम तो कल ही लंदन से आया है, हमको नहीं देखा, और जब से आया हमारा तो पनौती। नहीं, आपको देखे हैं। अरे भाई देखो मेरी बात। अरे यार, ये कोई याद कराने का टाइम नहीं है, देखा होगा ना भाई, इसमें है क्या यार? नहीं, इसके ये क्या लगते? अरे इसकी नानी के चाचा के फूफा के दादा के पोते के नाने का बेटा था ना, उसकी मासी के नाना के चाचा के फूफा के नाना के चाचा के बेटे का मौसा है ना, उसके चाचा के पोते के नाना, उसकी मामी के पापा के चाचा के नाना के दादा के फूफा का नाना, नाना के पास जो पड़ोसी का जो बेटा होता है ना, पड़ोसी की बहन का भतीजा। इतना लंबा क्यों लगते भाई? अब क्या काट तो सकता नहीं बीच में से इसका रिश्ता, इसलिए इनका शक्ल मिलता जुलता। भाई मिलता होगा, तुम लेकिन हम देखे इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रॉकी, ये वही है जिसे कल रात को बुकीज काउंटर के सामने हम लोगों ने डंडा मारा था। रॉकी, रॉकी, ऑलराइट छे, ऑल रॉन्ग छे, चौकसी भाई, गया तेरा भतीजा। व्हाट? और डायमंड भी। डायमंड किधर है? ए कांड, ए गधड़िया, ए कांडा, ए रॉकी, 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 डायमंड किधर है? रॉकी, डायमंड किधर है? रॉकी, ये पहन लो, कोई नहीं पहचान। G9, where is the diamond? वो भी मिल जाएगा। इसको किसने मारा? साहब हमको नहीं मालूम। हीरा कहाँ है? वो भी हमको नहीं मालूम। मैं सिर्फ 9 तक गिनूंगा। सिर्फ 9 तक गिनेंगे, एक कम कर। 9 डायरेक्ट। एक सेकंड, मैं बताता हूँ। राजा, इसका मर्डर मॉस्को चिकना ने किया था, और डायमंड भी उसी। मॉस्को चिकना? आ कौन से? हुजी, काला कौवा, जानता हूँ उसका अता पता। बहु
सॉरस जी नहीं कम। अगर मॉस को चिकना को बता दिया कि हम लोग वहां आ रहे हैं तो तुम लोग सबके हाथ काट दूंगा। वो हाथ का बुकिंग तो उन्होंने पहले से कर दिया। अरे तो अरे बाबा तो पैर काट डालेंगे ना। पैर का भी बुकिंग हो गया भाई। हाँ। पत्ता खींच। बताओ तो का कटेगा गला। ये G9 का वार्निंग है। अच्छा एक क्लियर कर दीजिए कि लास्ट टाइम फर्स्ट वार्निंग आया कि फर्स्ट टाइम लास्ट वार्निंग है। फुल एंड फाइनल वार्निंग है। फुल एंड फाइनल। यस। अरे ये क्या किया तुमने? तुझे क्या लगता है मामा G9 मॉस को चिकना के घर जाएगा, मेन्यू कार्ड खोलेगा, एक प्लेट डायमंड का ऑर्डर देगा और मॉस को चिकना उसे दे देगा? अरे ऐसे थोड़ी देगा, सांप की तरफ बैठा होगा डायमंड पे। एग्जैक्टली। और अगर मॉस को चिकना सांप है तो G9 नेवला है, और सांप और नेवला आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? अरे भैया घमासान युद्ध होता है। बोलेंगे तो? हाँ हमने देखा है सांप और नेवला का खेल, हम देखे हैं। ये सांप खड़ा है और इधर नेवला, सांप ने भप करके नेवले को पूंछ से दबोच लिया, तो नेवले ने यूं करके सांप को पूंछ से दबोच लिया, और यहां से सांप ने धीरे धीरे निगलना शुरू किया, और यहां से नेवला धीरे धीरे सांप को निगलने लगा। अब निगलते 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 गायब। किधर गए? दोनों गायब। सांप किधर गए? उसको नेवला निगल गया। फिर नेवले? उसको सांप निगल गया। दूर गए मुझे। अब बचा का? बच्चा वो सपेरा। हाँ? सपेरा नहीं, हीरा। जब मॉस्को और G9 एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो हीरा हमारे हाथ में होगा। अगर हम वहाँ गए और उन्होंने हमें पहचान लिया तो? अरे हम हमारा हुलिया बदल देंगे बस। ठीक है। सिर्फ हुलिया बदलने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को गन्स भी चाहिए। गन किधर से लाएंगे? बंदूक है हमारे पास। तेरे पास बंदूक है? पेटी भर के। टीना तुम कपड़ों का अरेंजमेंट करो। राइट। मामा तू गन्स निकाल। ओके। पुट्टू तू गाड़ी निकाल। ओके। संता हम लोग इधर ही है, जाने को रेडी। ट्रिपल सीट। ट्रिंग ट्रिंग। बॉल्स कॉश की लड़ी मॉस्को चिकना लंदन डॉन चौक्सिनो मॉल छे वो सरास G9 Very good. Now everything all right, Che. क्या हुआ? हाँ काम हो गया कट्टी। जब से लंदन से आया रोकी रोकी है। साइंस सुसु तो मेरे को भी लगा है। हम दोनों सगे भाई हैं ना, एक साथ लगता है। माँ भी थी अच्छा और हो क्या तो है? हो क्या और हाथ धो के आओ। ठीक है भाई ठीक है। Batman, Superman, Spider-Man. Check this out. Feel the vibe. Hit it. Boom, da, da. Boom, da, da. Boom, boom, ah, boom, da, da. Boom, da. ये आइटम लोग कॉमिक से निकलकर बाहर कैसे आ गए? तेरे को अंदर करने। चल, शराफत से डायमंड निकाल, नहीं तो गोली चलेगी और तू मरेगा। और हमारे पिस्तौल भी चले ना तो दो ही बार मरेगा। दो बार नहीं, चार बार मरेंगे। हम लोग चार लोग हैं, मालूम है? तरंगे, तुम लोग जिस सर्कस से भाग कर आए हो ना, चुपचाप वहीं खड़ जाओ। क्यों? डुप्लीकेट है। अरे दूधवा डुप्लीकेट पिएगा, मर जाएगा, पायजान हो जाएगा बुढ़बक। अबे भैंसे की औलाद, दूध नहीं बंदूक। तेरे को कैसे मालूम है रे? तेरी नली पे लिखा है। असली दिखाऊं? ये देख। Made in Germany. Walter. Dick. 10 feet के डिस्टेंस से मारूंगा, 100 feet दूर जाके गिरेगा। ए चमगादड़, गिन कितना फुट है अपन दोनों के बीच में? ए पट्टू, वो तो फुटपट्टी वाला मेजरमेंट टेप लाया है का? जो बे, इसके सामने अपने नाम एक्सपोज नहीं करने की। अरे तुम दोनों एक दूसरे का नाम क्यों ले रहे हो? टीना समझाओ इन लोगों को यार। तुम दोनों राजा की बात मानते क्यों नहीं? अबे ये नाम नाम का गेम खेलना बंद कर, वरना नाम निशान मिटा दूंगा तुम लोगों का। चल उड़ जाए यहाँ से सब लोग। चल ए, 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 यार।
कितना खुदले होता रे भाई, ये स्पाइडर मैन इसके अंदर कैसा रहता होगा मेरे को मालूम नहीं भाई। का गंधा रे बाबा रे बाबा। भाईयो जान बच गए पहले वो सोचने के। G9 से तो हम बच गए, लेकिन हीरा नहीं मिला तो जेडी से कौन बचाएगा राजा? ये सब तुम्हारे इस मामा की वजह से हुआ है। का हुआ रे? का हुआ रे? तुझे किसने बोला था ऐसी गन लाने के लिए जो चीख चीख कर बोल रही है मैं डुप्लीकेट हूं, मैं डुप्लीकेट हूं, ये देख। पर तो हमको का पता क्यों कमीना अंग्रेजी पढ़ पाएगा, हमको का पता? जस्ट शट अप यार, अरे समझाओ इसको यार। सब लोग तेरे बाप के अनपढ़ आदमी नहीं होते भाड़ में क्या? अबे गन नकली था लेकिन अंदर गोली तो असली था ना, मलबारी। तो क्या पिस्तल में से गोली निकाल के गोट के पट्टी करके मारेगा क्या रे बिहारी? हां भिखारी के सबो चोबे बहु सरस लालवानी ए डायमंड फास्ट एंड फास्ट वचिनक। अरे हीरा तो इनके पास है। हां कौन छे? हैंड्स अप। तुम लोगों ने ज्वेल थीफ गैंग का नाम सुना है? नहीं नहीं। हां हां बाबा सुनना है। हम लोग उस गैंग से नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने G9 को टपकाया है, समझे? क्या? चुपचाप हीरा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हाथ से जान धो बैठोगे। जान से हाथ? हाँ वही वही वही। वंडर वुमन जाके हीरा लेकर आओ। ओके। ए तू बैटमैन है यार? अरे बैटमैन वा तो हम है। अरे व्हाटएवर जस्ट शट अप। गो 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 गो। कम ऑन, वेरी गुड। अब चुपचाप इस दीवार से चिपक जाओ। कैसे? अरे ऐसे चिपकने का ऐसे से करके। मूव इट, मूव इट, चलो चलो मूव इट। चल मैं चौकसी छे लंदन नो डॉन। अरे तो लंदन का डॉन है तो अंग्रेजी में चिपक रहे, चिपक। अरे डॉन नो कोई रिस्पेक्ट ना थी छे। हाथ ऊपर, कम ऑन। ये ले भाई, टांग ऊपर। टांग ऊपर, होल्ड इट। दोनों पैर ऊपर। नहीं दोनों नहीं होगा भाई। ए शट अप। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। कौन हो तुम लोग? दोस्त है? फ्रेंडली नेबर बट स्पाइडरमैन सिंबली। हम आपको ये बताने आए कि G9 आपको मारने की कोशिश कर रहा है। G9 मैं यहाँ हूँ। अबे मामा झुक जा, मर जाएगा। गोली गाई प्लीज। क्या मगड़े? एक मिनट। स्पाइडरमैन हट। क्या मगड़े? चिपक। गाय को बॉल्स क्रश की। अब बॉल्स क्रश की। डायमंड G9, डायमंड। ये दूरिया अब है कहाँ, ये फासले ना दरमिया। ये दूरिया अब है कहाँ, ये फासले ना दरमिया। बदला बदला सा है जमाना, खामोशिया भी है गुमशुदा। देखो देखो जरा, दिल से हुई खता। दूरिया अब है कहाँ, ये फासले ना दर।
Shakira be yassin naru we. Yeah, be Shakira be Shakira be Shakira be yassin naru we. Shakira be Shakira be Shakira be yassin naru we. Shakira be Shakira be Shakira be yassin naru we. ये जिंदगी बदले एक पल में यहाँ बदला है सारा जहाँ जीने का ले ले मजा ये दूरिया अब है कहाँ ये फसले ना दरमिया जेडी का फोन है, तीन बार तूने फोन नहीं उठाया, चौथी बार तो उठा ले, डू समथिंग में उसको बोल देने कि हम लोग कोशिश करें, ट्राइंग, ट्राइंग, नॉट टू वरी, ओके, टेल हिम साले ने मेरा फोन काट दिया। जानत हो इस हीरे की कीमत का? करोड़ों में। अरे नहीं भांजी, ये हीरे की कीमत है हम चारों की जान। ये हीरा जेडी को देकर हम चारों की जान बचानी है, बस। हीरा कहीं नहीं जाएगा, क्या जिंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे चोर बन के रहना है? आज हमारी मेहनत और किस्मत दोनों ने हमारा साथ दिया, अब हीरा हमारे पास है। ये लो, ये भाई साहब यहाँ हैं। उल्लू दे पट्टे, सारा शहर ढूंढ लिया और तू यहाँ पर है? तो एक मिनट, ये ले, माँ से बात कर, तेरी आवाज सुनकर कम से कम दो निवाले तो खा लेगी और तब तक हम पहुंच जाएंगे। क्या मामा लगा के रखा है, जब भी मन में आता है कहीं से भी उठा के खड़ा कर देता है तेरी भाभी के सामने। ए, मेहरबानी नहीं करता, पैसे लेता है तू। आज तक कितने पैसे दिए तूने मुझे? 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम। चल एक काम कर, कल आना, सूद के साथ सारे वापस कर दूंगा। अब मुझे किसी का भाड़े का बेटा बनने की जरूरत नहीं है। देख राजा, चलना तो तुझे पड़ेगा ही, सीधा चल, नहीं तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। चल आज भाभी माँ को सब सच बता ही देता हूँ। ओए, बहुत मारूंगा तुझे मैं। मारेगा, मार, जितना मारना है मार, लेकिन आज मैं सब सच बोलकर ही रहूंगा। और ये भी याद रखना कि अगर मेरे बोलने के बाद उसको कुछ हो गया ना, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं, तू होगा। ये राजा ने मुन्ना के साथ ठीक नहीं किया आज। डिकी, मैं मुन्ना को लेकर घर जाती हूँ, तुम वो राजा को समझा के साथ लेके आओ। नहीं नहीं, तुम मुन्ना को लेकर घर जाओ, मैं राजा को समझा के लाता हूँ। अभी तुम लोग मुझे घूर के क्या देख रहे हो? अरे लानत है तुझ पर, माना कि हम चोर उचक्के हैं, जिंदगी में खोटा काम किया है, लेकिन हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और माँ का तो कभी नहीं। मामा तू मुझे ये सब कह रहा है? अरे आज तक मैंने जो भी कुछ किया तेरे कहने पर ही तो किया है। तू ही तो बोलता था कि तू टीना का हाथ किसी कड़के के हाथ में नहीं देगा, तो ले मेरे पास आज ये है और ये मैंने सिर्फ टीना के लिए किया है। ये भी तेरी तरह बिन माँ के पली बड़ी है, और पूछ इससे माँ का प्यार क्या होता है, पूछ इससे, पूछ। तू भाड़े का बेटा है लेकिन उसकी ममता तो सच्ची है, बात करता है। तेरे को लगता है तू बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन तू बहुत छोटे आदमी बन गए। ये हीरे के टुकड़े तो काली एक टुकड़े, माँ तो खजाना होता है रे, खजाना। टीना तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकती राजा, क्योंकि तुमने ये सब मेरे लिए ही तो किया है, लेकिन मुझे ये सब कभी चाहिए ही नहीं था, कभी नहीं। और आज जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, मुझे बस मेरा राजा वापस चाहिए। Believe me, can I have राजा back? Bob, चल चल निकल।
सनी, सनी, तेरा पैर, तू लकी, इट्स हर्टिंग, सनी, तुझे हाथ किसने लगाया? किसने? लगी नहीं। मेरे सनी को हाथ लगाए, मेरे भाई को हाथ लगाएगा, मेरे सनी को हाथ लगाएगा। जा और अपने उस चेड़ी को बोल दे, लक्की बोलता है आज से मुन्ना उसके लिए नहीं लड़ेगा, जो करना कर ले। बहुत देर होगी लक्की, अब तक तो हमारे आदमी मुन्ना के घर तक पहुंच चुके होंगे, जा उनको रोक के दिखा। माँ, माँ, तू ठीक है ना? माँ, माँ, क्यों हुआ हमारे साथ? माँ वो अच्छा हुआ माँ अपना घर चल गया, पता राहुल ने ना बहुत बड़ा घर लिया है, वो बस आता ही होगा हम सबको लेने। मुन्ना, मुन्ना, तू रो मत माँ, रो मत, रो मत। ये यहाँ क्या करने आया है? ए, अब क्या लेने आए हो यहाँ? क्या लेने आए हो? पड़ गई कलेजी में ठंड? ए, हो गई तसल्ली? ए, इसको क्या बोलता है? जेडी के आदमी ने हमको बर्बाद कर दिया। मैं अगर पहले मालूम होता तो ये कभी नहीं होने देता। और जेडी के लोग तो धमकी दे के गए हैं, अगर शाम को ये जेडी की तरफ से नहीं लड़ा तो पूरी कॉलोनी को जला के राख कर देंगे। पता है मुझे, वो चाहता है कि आज की फाइट में तुम उसके लिए लड़ो और तीसरे राउंड में हार जाओ। आज तुम्हारी हार पे मुन्ना उसने करोड़ों दिरहम दांव पे लगाए। आज मैं कहता हूं, आज मैं कहता हूं कि मत लड़ना, बर्बाद हो जाएगा साला। उसने ये, मैं लड़ूंगा। क्या मुन्ना, तू जानता है तू क्या कह रहा है? मैं अपने लिए इस बस्ती को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मुन्ना तू, मैं हारूंगा, कह दो उसे मैं आ रहा हूं। क्यों बे, आया ना तेरा फोन? जेडी आ रहे हैं। डुप्लीकेट सुपर हीरोज, तुम लोग अपनी कोई चीज भूल आए थे। पकड़। मेरा डायमंड कहाँ है? हीरा। एक सेकेंड, मैं दे रहा हूं। Finally, all right, Che. Chicken, 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 ch
हजमोला तो भाग लिए। अब क्या करें? अरे भागो उसके पीछे। अरे पकड़। चल मामा। कुत्ते को मारने का पैसा और लेगा चौकसी सेठ। है चौकसी सेठ। चौकसी सेठ। चौकसी सेठ। चौकसी सेठ। मऊ सरस। अरे अरे चौकसी सेठ। अरे मामा उधर नहीं, इधर गया है वो यार। कम ऑन। जेडी का आदमी। चलो 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 चलो। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुत्ता पकड़ने। क्या आपको हीरा चाहिए ना? हाँ चलो चलो जल्दी बैठो। कहाँ चलें? इंडियन कॉलोनी ले लो। मामा इंडियन कॉलोनी में हीरा कहाँ है? हीरा नहीं, अपना हीरो मुन्ना वहाँ है ना, वही तो मैं संभालेगा। मामा तू जानता है ना मेरा और मुन्ना का। बस चुप कर, अब हम चुप कर। क्या हुआ? इंडियन कॉलोनी ले लो भाई। एक मिनट। ए, ये सब क्या हो गया? जेडी के गुंडों ने तेरा घर जला दिया। मुन्ना कहाँ? वो गया है अपनी जान को बाजी में लगाने के लिए, कॉलोनी को बचाने के लिए। माँ और बाबूजी कहाँ? अंदर है। हाँ बॉस, वो हिंदुस्तानी लड़की जो हमारे हाथ से भाग गई थी वो इंडियन कॉलोनी में है। क्या? मैं यहाँ हीरा लेने आया था और ये लड़की दिख गई। सुना है मुन्ना शादी करने वाले से। क्या करूँ? कॉलोनी चला दे। और वो लड़की? उसे भी। ठीक है बॉस। जला दो पूरी की पूरी इंडियन कॉलोनी। चलो। और मैं देखता हूँ मुन्ना के घर वालों को। एक बेटा गया है अपना फर्ज निभाने, दूसरा यहाँ अपना फर्ज निभाएगा।
देखो मार! मार राजा मार! शुरू करते हैं दूसरा राउंड। यह है मिलियंस फ्रॉम अफ्रीका। इनमें रूबिन से कहीं ज्यादा जोश है। देखते हैं मुन्ना को ये एक मिनट में नॉकआउट करते हैं। भैया आप लोग सब ठीक है ना? भैया नहीं, राजा। मुन्ना को बोल अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भैया और भाभी का ख्याल रखने, उनका बेटा राहुल आ गया। उसको बोल गेम खत्म करे, घुमा दे अपने 2.5 किलो का हाथ। मुन्ना, कॉलोनी की सेटिंग हो गई है, चिंता मत कर। अब उठ और फोड़ दो सरों को, फिनिश द गेम। आज के हमारे तीसरे फाइटर वैंग ची तो उतर चुके हैं। मुन्ना, जेडी सेठ के साथ अब उनका पुराना हिसाब है। चला गोली। हाथ में घोड़ा होने से गोली नहीं चलती जेडी सेठ, जिगरा चाहिए। कैसा लगा? मेरे सनी को
हाथ लगाया। क्यों, कैसा लगा? तैरना आता है? जा सीख ले। और इस तरीके से जेडी का फुल एंड फाइनल हो गया। और भाभी माँ के लिए तो राजा अब भी राहुल ही है। उससे टीना के साथ राजा का और पायल के साथ मुन्ना का बैंड बाजा बजाया। अरे वे पीरी। फिर क्या, लक्की ने जेडी से जीते हुए सारे रुपये मुन्ना को दे दिए और मुन्ना ने कॉलोनी का डेकोरेशन करने के लिए वही रुपये बड़े भैया को दे दिए। बड़े भैया को? अरे फिर लक्की को क्या मिला? कुत्ता। क्या, काली कुत्ता? अरे कुत्ते में तो हीरा था ना। यानी एंड में लक्की रियली लक्की हो गई रे। नहीं रे, उस गधे लक्की को थोड़ी पता था कि कुत्ते में हीरा है। लेकिन कुत्ते को तो पता था ना। अरे लेकिन वो कुत्ता भी तो गधा ही था ना, वो थोड़ी ना बताएगा। तो फिर कौन बताएंगे? चतुर चौबे, हमने कुत्ते से हीरा निकाल के कुत्ता बेच दिया। अयो गधे, तूने कुत्ता बेच दिया और हीरा किधर गया? हीरा भी बेच दिया रे बुड़बक, और लक्की को उसका हिस्सा दे के सब ने खाया पिया और ऐश किया। और डायमंड बेच के चतुर चौबे को अपना हिस्सा मिल गया। मैं चलता हूँ। ये पैसे के अंदर 50% पार्टनरशिप मेरे भी है, नहीं तो मैं बल बारी तेरे ऊपर 100% बारी। 50% ना? Yes! अरे तो ये ले ना, ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी में। Yes! ये दो गड्डी तेरी, ये एक दो, ये दो गड्डी में। Correct! ये तीसरी तेरी, ये एक दो तीन, ये तीसरी में। ठीक है ठीक है। ये चौथी तेरी और ये एक दो तीन, अरे कम है। ठीक है, तेरे लिए जाने देते। ठीक है, ऐसे नहीं रख ले रे तू। तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई कुछ है। फुल एंड फाइनल। फाइनल ए बाबू, ये पुलिस स्टेशन कितना दूर है? बहुत दूर है भाई। इधर से 25 नंबर बस पकड़ के 20 किलोमीटर जाने पड़ेगा, फिर उधर से टैक्सी लेके आपको 5 किलोमीटर जाने पड़ेगा, फिर चल के जाने का ब्रिज क्रॉस करने का, उसके बाद में रिक्शे वाला तेरे को बताएगा पुलिस स्टेशन किधर है। तो बहुत दूर है, 2.5 घंटे। मेरे पुलिस कभी आते ही नहीं है। सवाली नहीं पैदा होते, पुलिस हमारे होते पुलिस आएंगे। माल निकालना तो तेरा फुल एंड फाइनल कर। Baby, let's do it. Kick it.